उसको जेब में रखो, जाके राहुल गांधी को चैलेंज दो। चुपचाप बीच में मत बोल जब मेरे गौरव जी मौका मिला तो कहा सेवकों पर गोली चलवाई। बौखला क्यों रही है? बात रख दीजिए ना, एक वाक्य पूरा नहीं होने देती। बौखलाइए मत, बात रख। फटे हुए बांस की तरह काहे? मैडम फटा हुआ बांस मैडम, इस तरह की भाषा का, इस तरह की भाषा को मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता। मीडिया के डिबेट में अक्सर जब एंकर बीजेपी का पक्ष लेते हैं तो विपक्षी नेता एंकर को सुना देते हैं। आज की वीडियो में बात भी हम कुछ ऐसे ही डिबेट्स की करेंगे। कश्मीर के मुद्दे पर न्यूज 18 पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कांग्रेस की प्रवक्ता से सवाल किया। जब वह जवाब दे रही थी तब एंकर ने उन्हें बीच में बार बार टोका, जिस पर उन्होंने एंकर की ही क्लास लगा दी। आपको पता है बोको हराम का परिचय क्या है? आपको पता है? बिल्कुल, देश का कोटि-कोटि जन आज गुस्से में है, और देश का कोटि-कोटि जन इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसको ISIS और बोको हराम से कंपेयर किया गया है। बोको हराम और ISIS की कुंडली जरा खोल के देख लीजिए, वो क्या कुछ नहीं करते मानवता के विरुद्ध। कहां हिंदुत्व के अंदर ऐसा किया जाता है? और ऊपर से कहा जाता है कि कश्मीर के हिंदू अगर बाहर हो गए तो क्या हो गया? मत करिए, ये चिल्लाने बंदर चिल्लाने की बात नहीं मैडम, सवाल की बात। आप मुझे बोलने तो दीजिए सर, आपको कास्ट कट दिख रहा है? आपको बोको हराम और ISIS क्यों नहीं दिख रहा जो आपके नेता कह रहे हैं? अरे ये फटे हुए बांस की तरह काहे? मैडम फटा हुआ बांस मैडम, इस तरह की भाषा को मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता। अगर आपको लगता है कि फटा हुआ बांस बोलने से, गाली देने से अगर सलमान खुर्शीद का बचाव हो सकता तो करिए आप, कांग्रेस पार्टी का बचाव हो सकता तो करिए आप। मेरा सवाल है तो उसका जवाब दीजिए ना, मेरा कास्ट कट में मेरी डिबेट नहीं है। इंडिया टीवी पर हिंदुत्व के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में जब कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे रहे थे तो संबित पात्रा ने उन्हें बीच में टोका, जिस पर वह भड़क उठे और संबित के साथ साथ उन्होंने एंकर को भी सुना दिया। फिर बहुत हिंदू की बहुत बात कर रहे हो ना संबित पात्रा, मैं चुनौती देता हूँ, आई चैलेंज। मेरे सामने वेद, उपनिषद, मीमांसा, न्याय, जेब में रखो, जाके राहुल गांधी को चैलेंज दो। चुपचाप बीच में मत बोल जब मेरे गौरव जी, ये तरीका नहीं बात करने का। गौरव जी, ये कोई तरीका नहीं हो बात करने का। गौरव वल्लभ जी, इस पर आपत्ति है, गौरव जी, ये कोई तू तड़ाक से बात करने का कोई मतलब नहीं है। अनपेकवारों के साथ में डिबेट नहीं करता, इन लोगों को बोलने नहीं। गौरव तू तड़ाक नहीं हो सकती कार्यक्रम में, ये कोई बात नहीं है। क्षमा करिए, नहीं बीच में अगर वो बोल रहे थे, आप मुझे कहते कि आप इनको चुप कराइए, ये तू तड़ाक नहीं हो सकती। गौरव जी तू तड़ाक नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल साफ है। आप चुप कराइए वरना मैं नहीं बोलूं। मैं अरे अब मेरे चुप कराने से चुप होंगे? आपने जब अरे भाई एक थोड़ा सा लिहाज तो रखना पड़ता है सामने वाले का, नहीं आपको? जी न्यूज पर उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने अखिलेश यादव की एक रैली को लेकर सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से किया। जब वह जवाब देने लगे तो एंकर के बीच में टोकने पर वह एंकर पर भड़क उठे। इतनात कर रहे, मौका नहीं मिला अब तो कोई नहीं कह सकता, जब मिला था तब तो कार सेवकों पर गोली चला रहे थे। ये खोखली और घटिया राजनीति आज का अखबार है, जहां पर इस सरकार की नाकामी दिखाई दे रही है। किस तरीके से असम राइफल्स के 7 जवानों के एक पूरे परिवार की शहादत हो गई। योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट, अखिलेश यादव का जैम वर्सेस अमित शाह का जैम, गृह मंत्री का जैम, इन सब पे सवाल पूछ रही हूं। आपके पास या तो सवाल का जवाब नहीं है सर, वो क्या पूछ रहे हैं आपसे? मौका मिला तो कार सेवकों पर गोली चलवाई, जवाब दे दीजिए। बौखला क्यों रही है? मुझे बात रखने दीजिए ना, एक वाक्य पूरा नहीं होने देती। बौखलाइए मत, बात रखने दीजिए सर। बौखलाने की जरूरत आपको पड़ेगी? आपको क्लिप भेज दूंगी मैं, चिंता मत कीजिए, इसका प्रमाण होता है। आपके दावे से, आपके आरोप से, आपके आक्षेप से मैं डरती नहीं हूँ सर, मैं तथ्यों पे बात करती हूँ, ठीक है? मुझे जयंती को लेकर और तिथि को लेकर, जन्म तिथि को लेकर कंफ्यूजन नहीं होता है। आज तक की एक डिबेट में संबित पात्रा के सवालों के जवाब BSP के नेता दे रहे थे, तभी संबित ने उन्हें टोकना शुरू किया, जिस पर वह संबित पर भड़क उठे। एंकर ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो BSP के प्रवक्ता ने एंकर को भी सुना दिया। चलिए भैया, आप तो असली हैं, चलिए धर्मवीर जी ना, मतलब आप ही के वहाँ नारे लगते थे तिलक तराजू तलवार, और उसके बाद फिर आप लोग अब चले आए हैं, फिर अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, तो ये अलग 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 और दोहरा चरित्र तो BSP का भी दिख जाता है ना इस मुद्दे पर। इतनी बड़ी पत्रकार हैं, अगर आपके पास में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड है इस नारे का तो आप मुझे दिखाइए, देश की जनता को दिखाइए, वरना ये झूठ फैलाना बंद कर दीजिए आप भी।
बीजेपी अच्छा आरएसएस की क्या नहीं लगते थे क्या ये नारे नहीं लगते थे? एक सेकंड धर्मवीर जी, ये ऐसे मत बोलिए प्लीज, है ना, सच पर आइए। क्या ये नारे नहीं लगते थे आपके जितने भी अलग अलग सम्मेलन होते थे, बाद में फिर उसमें बदलाव आया? अभी सतीश चंद्र मिश्रा ने, एक सेकंड सुनिए धर्मवीर जी, मुझे लगता है कि आपके पास ज्ञान नहीं है ना जानकारी है। अभी सतीश चंद्र मिश्रा ने इसी नारे पर अयोध्या में जब ब्राह्मण सम्मेलन की रैली की थी, उनकी ओर से कहा गया कि मुझे नहीं पता ये नारा कहाँ से आया, लेकिन लगते तो रहे हैं। प्लीज धर्मवीर जी, आपको ये डिबेट्स कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।